सभी लोग एक बार फिर से प्रभु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की जय मसीह। आइए सीधे परमेश्वर के वचन में से पढ़ने निकालेंगे, इनको थोड़ा कम करेंगे, उत्पत्ति की किताब से पढ़ेंगे। इसका 6 अध्याय उत्पत्ति की किताब इसका 5वां अध्याय है ये, और इसके मैं 21 वचन से लेकर के आगे तक पढ़ूंगा। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसे मतुसेले का जन्म हुआ। मतुसेले के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे छा लिया। आमीन। प्रभु आशीष प्रभु के पढ़ेगा वचन पढ़ो। प्रभु आप सभी को आशीष देते, सरों को झुकाएंगे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु, ने आप को तेरे सम्मुख लेकर के आते हैं और कहते हैं परमेश्वर पिता हमारी साथ और मदद कर, हम आपके बिना कुछ नहीं। जब तक ही तेरे पवित्र आत्मा इन वचनों को ना बोले तक मनुष्य सिर्फ उन्हें पढ़ सकता है प्रभु, पवित्र आत्मा से अपने दिल में प्रकट करता है और सामर्थ के साथ जाहिर करता है प्रभु। ये पढ़ेंगे वचन को छोटी सी कलीसिया को, प्रत्येक भाई और बहन को, भाई राजा को, पिता के परिवार को और जितने भी सेवक यहाँ पर है प्रभु, सभी को तेरे हाथों में दूंगा प्रभु और सभी पर आशीष मांगता हूँ। चाहता हूँ तेरा पवित्र आत्मा पिता तेरे लोगों से बातचीत करे, हमारी प्रार्थना सुने, इस सभा को, अपने आप को, सारे एनवायरमेंट को, सारे म्यूजिक सिस्टम को, इलेक्ट्रिसिटी को, सब कुछ तेरे हाथों में देते प्रभु। प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गरीब को बंद हो सकता है प्लीज कर दें इसे, हालेलुया। सभी बैठ सकते, प्रभु आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में फिर से आप सभी को जय मसीह की। अगर आप सभी पीछे आगे मेरी आवाज सुन पा रहे थे, एक बार तालियां बजा दे और बता दे कि आप आवाज सुन पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद दे सकते हैं अपने आवाज को, अपने तालियों को बजा कर? परिवार और कलीसिया की तरफ से आप सभी को जय मसीह की कहता हूँ। और शायद मैं दूसरी बार इस गांव में आया हूँ, और इससे पहले एक बार मैं आया था, किसी मुझे याद नहीं किस भाई के घर में थी, लेकिन वो मीटिंग छत पे थी और जैसे मीटिंग शुरू होने वाली थी बहुत भयंकर तूफान आने का वहाँ पर शुरू हो गया था, काले बादल और आंधियां चलनी शुरू होने लगी थी। भाई दास मेरे साथ थे और उन्होंने कहा भाई आप ऊपर देखें, मौसम बहुत बिगड़ रहा है। मैंने भाई दास से एक बात कही, मैंने भाई दास थोड़ा और ऊपर देखे, बादलों को नियंत्रित करता है। और मेरा संदेश था प्रार्थना का प्रभाव, किसी को याद हो। और हमने मीटिंग शुरू करी, मैंने भाई से कहा आप गाने को शुरू कराएं, ये मीटिंग होगी। और जब तक मीटिंग खत्म हुई तब तक आसमान में तारे चमक रहे थे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बड़ी शानदार मीटिंग रही। और शायद उसी प्रार्थना का प्रभाव है कि हम दोबारा यहाँ पर यीशु मसीह का नाम मुबारक हो। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूंगा कि कोई भाई जिसके पास बाइबल भी हो और माइक भी हो, अपनी बाइबल और अपनी माइक खोले ले, क्योंकि मुझे बहुत सारी आयतें पढ़नी है और थोड़ा सा मेरे पास रोशनी कम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बता सकूं। और सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह का इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि मैं पंजाब फिर से दोबारा आ सका। लगभग 3 साल के बाद मैं एक पूरे प्रचार के दौरे पर हूँ। लगभग 3-3.5 साल पहले मैं आया था, बीच में 2-3 बार आया, लेकिन वो मुझे एक तरह से वो मेरा भाई दास के बीमारी के सिलसिले में, किसी विवाह के सिलसिले में आया। लेकिन अब इस बार जो मैं आया हूँ लगभग 3 साल के बाद, मैं फिर से आया हूँ कि आपके साथ वचन को शेयर कर सकूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की शाम प्रभु आपको आशीष करते हैं। आमीन, आमीन। और मैं थोड़ा स्लो शुरुआत करूंगा और शायद यही स्पीड अंतिम तक रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा चिल्लाने से बहुत ज्यादा बातें समझ नहीं आती। आमीन। अगर मैं आपको यहाँ खड़ा होकर ये नहीं समझा सका कि आज इस दिन में, इस समय में, इस घड़ी में परमेश्वर की मर्जी आपके लिए क्या है, तो मेरा 2 घंटा 1.5 घंटा प्रचार करना व्यर्थ होगा। लेकिन अगर मैं 20 मिनट खड़ा हूँ और 20 मिनट में आपको ये समझा दूं कि आपके लिए परमेश्वर क्या चाहता है, तो मैं सोचता हूँ कि वो सफल मीटिंग हो जाएगी। आमीन। हालेलुया।
अगर 20 मिनट का आधा घंटा का प्रचार आपको इस बात पर ले आ दे और आप पूछे हैं भाई हम क्या करें, सुसमाचार हमेशा इस बात पर आपको लाना चाहिए कि हमें क्या करना है। जब दुनिया का पहला सुसमाचार प्रचार किया पेंटेकोस्ट के दिन 20 मिनट का सुसमाचार था और लोगों के हृदय छेद गए, क्या करें। जब आप ये कहते हुए जाते कि बहुत बढ़िया संदेश था तो संदेश में यीशु मसीह नहीं था, जब आप ये कहते हुए जाते कि बहुत बढ़िया संदेश था तो संदेश में यीशु मसीह नहीं था, लेकिन जब ये कहते हुए जाते कि कितना बढ़िया यीशु मसीह है जिसके बारे में प्रचारक ने बताया कि हमारा वो यीशु मसीह कितना दयालु, कितना प्रेम करने वाला, कितना अनुग्रह करने वाला, हमारे पापों को माफ करने वाला, हमसे प्रेम करने वाला चाहे किसी भी कंडीशन में हो, आमीन। हम ये कहते हुए कितना बढ़िया यीशु मसीह, आमीन, तब वो प्रचार होता है, आमीन। ये कहते हुए जाना वाओ क्या मैसेज था, यीशु मसीह किधर था, आमीन। हम मेरे साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि शायद 8 बज गए है, 8:05 हो रहा है, 8 बजे मैं यहाँ पर था और मैं अपनी पूरी बात अगर नहीं रखूं तो फिर बेकार हो जाएगा, तो हो सकता है कि मेरी पूरी बात रखने में 10 बज जाए, हो सकता है कि और हो सकता है कि बात 8 बजे से 9 बजे तक ही खत्म हो जाए, आमीन। लेकिन अगर आपके पास संयम है, धीरज है तो आप इसे सुनेंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आशीष करे, आमीन आमीन। कितने लोग इसलिए आए कि वचन को सुन करके लेकर के जाए, हो सकता है कि यहाँ पर दिखने के लिए कुछ आपको दिखाई ना दे रहा हो कि यहाँ पर क्या है, यीशु मसीह कहाँ है, किधर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल सच, कितने लोगों ने कभी पतंग उड़ाई है, हालेलुया, कितने लोगों ने कभी पतंग उड़ाई, लड़कियां सर नहीं पहने नहीं उड़ाई, पुरुषों ने जरूर उड़ाया होगा, कई बार पतंग बहुत ऊंची चली जाती है, बहुत ऊंची और वो दिखती भी नहीं है, हालेलुया। और आपका दोस्त आके कहता है कि क्या ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप कहते मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, किधर है पतंग, मुझे तो दिख नहीं रही है, कहता है वो तुझे कैसे मालूम, वो कहता है मेरे हाथ में जो रस्सी है ना, जो धागा है उसमें प्रेस है, उसमें दबाओ, मैं उस दबाव को अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि पतंग दिख भले नहीं रही है लेकिन वो है क्योंकि मेरे हाथों में रस्सी का दबाव महसूस हो रहा है। हो सकता है यीशु ना दिख रहा हो यहाँ पर, इधर किधर खड़ा है, उधर खड़ा, इधर खड़ा नहीं मालूम मुझे किधर खड़ा, लेकिन वो है क्योंकि मैं दबाव महसूस कर रहा हूँ, ध्यान हुई है। कितने लोगों ने कभी हवा एयर को देखा है, हवा नहीं बोलो हवा एयर, किसी ने देखा है, लेकिन कभी कहते आज हवा नहीं चल रही है, देखा नहीं तो तुमको किसे वालों की चल नहीं रही, आज बहुत तेज चल रही है, वो भी नहीं देखा लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि वो चल रही है और नहीं चल रही है, तेज चल रही है और धीरे चल रही है। यीशु मसीह का वचन बताता है कि जैसे हवा इधर से उधर चलती है वैसे परमेश्वर के पुत्र होते हैं, आमेन आमेन। आप महसूस कर सकते हैं कि यीशु यहाँ है, अगर आपके हृदय में वो दबाव है, अगर हृदय के अंदर वो खिंचाव है, अगर हृदय के अंदर वो प्यास है, याद रखिए वो खिंचाव, वो प्यास, वो दबाव सिर्फ परमेश्वर का आत्मा उत्पन्न करता है, आमीन। कोई मनुष्य का व्यक्ति का प्रचार आपको आत्मा से भर नहीं सकता जब तक कि आपके अंदर में परमेश्वर का बीज वचन ना हो, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हर एक उस भाई और बहन को जिसको जगत की उत्पत्ति से पहले बुलाया है उसके अंदर में एक बीज को डाला हुआ है और आत्मा बीज को ढूंढते हुए आता है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, बाइबल कहती है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और वो कहता मैं तो ना जानता था कि यीशु कौन सा है या उसे मैं नहीं पहचानता था, लेकिन जिसने मुझे भेजा उसने मुझे कहा जो जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही होगा आत्मा से बपतिस्मा देगा। सो यूहन्ना नहीं जानता था, यूहन्ना के पास कोई फोटो नहीं थी, यूहन्ना के पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी यीशु मसीह की, लेकिन यूहन्ना को चिन्ह दिया गया कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, तो यूहन्ना कहाँ यर्दन नदी में खड़ा हो गया, बोला बपतिस्मा लेने सब इधर ही आएंगे, मुझे घर घर जाकर के टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो इधर ही आएगा हमें। और एक दिन हजारों बपतिस्मे के बाद एक दिन मसीहा आता है, क्योंकि सुबह से शाम तक बपतिस्मा देता था, तो मैं कह सकता हूँ कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद, हजारों बपतिस्मे के बाद एक दिन मसीहा आता है, और परमेश्वर की उकाब रूपी आंखों से पहले देखती है और कहता है परमेश्वर का मेमना है, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई। और जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेता है आसमान खुल जाता है, पवित्र आत्मा कबूतर की नहीं आता है और उसमें ठहर जाता है, ये आकाशवाणी और ये चिन्ह और ये सीन सिर्फ यूहन्ना के लिए था, वहाँ और भी लोग और भी बपतिस्मा लेने वाले और जो पहले ले चुके थे और भी फरीसी और भी सिपाही और लोग खड़े थे, लेकिन किसी ने बात देखी नहीं,
ये बात सिर्फ यूहन्ना ने देखी, ये बात सिर्फ उसके लिए थी। आज यीशु यहाँ पर है, मैं यकीन करता हूँ यहाँ, लेकिन सभी को दिखेगा नहीं, लेकिन जिसको प्रतिज्ञा दिया गया है, जिसके हृदय में वचन बीज जगत पत्ती से पहले बोया गया है, वो आज यीशु मसीह से मुलाकात करके ही जाएगा। जैसे आप यीशु से नहीं आए हैं, आप मुझे सुनने नहीं आए हैं, लेकिन ये हकीकत ये कि जब तक आप मुझे सुनेंगे नहीं, जब तक मेरा समय आप यीशु से मिल भी नहीं पाएंगे। समय का संदेश परमेश्वर को प्रकट करता है। यीशु मसीह समय का संदेश था, उसने परमेश्वर को प्रकट किया। उसके बाद सात दूत आते, वो समय के संदेश को प्रकट करते हैं, और उसी संदेश में परमेश्वर प्रकट होता है। आज हमारा समय है कि हम समय के संदेश को प्रचार करें और परमेश्वर संदेश के द्वारा अपने आप को प्रकट करें। आमीन। कितने तैयार है मेरे साथ? हालेलुया। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आइए कि आए तो हम पढ़ेंगे, निकालेंगे नीति वचन के द्वारा, फिर मैं अपना शीर्षक आपको बताऊंगा। और कुछ भी इसमें कपड़ा कर लगा रही है, थोड़ा सा ऐसे बैग, कोई बैग लगा दीजिए, कुछ भी। नीति वचन और उसका 30 अध्याय और उसका 18 वचन कोई भी एक भाई पढ़ेगा, जो तय कर ले कि किसे पढ़ना है इसे, और वही हर आयतों को पढ़ता रहेगा। नीति वचन 30 अध्याय उसका 18 वचन लिए, ठीक है? कोई भी एक जना निकाले, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना होगा कि बहुत आयतें मुझे पढ़नी है। नीति वचन 18 अध्याय 30 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 18 नीति वचन 30 उसका 18। तीन बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, वरन चार। ध्यान से सुने, इनके बाद बाइबल नहीं है, वो ध्यान से सुने। यहाँ पर नीति वचन, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान अपने वचन में देखता है, तीन बातें हैं जो मेरे लिए कठिन है, वरन चार है। जो मेरी समझ से परे, वो जो समझ से परे, वे चार बातें सुनी आप। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल, और कन्या के संग पुरुष की चाल। बस ये चार बातें जिसके लिए सुलेमान कहता है, मेरे चार बातें मेरे समझ से परे है, आसमान में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पे सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल, और किसी पुरुष की कुंवारी लड़की के साथ चाल। यानी यहाँ पर चाल के बारे में, वॉक के बारे में, वे के बारे में बात कही जा रही है। इसलिए मेरा संदेश है हनोक की चाल। चार चालें हमने यहाँ पर पढ़ी है, अभी और भी पढ़ेंगे, लेकिन मेरा शीर्षक मैं बता दूंगा कि हमने उत्पत्ति 5 अध्याय के 21 वचन से पढ़ा, जहाँ पर हनोक आता है, जिसके बारे में लिखा हुआ कि 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। क्या आप मेरे साथ आधा वचन बोल सकते हैं? तभी मुझे पता लगे कि आप जानते हैं, सुनते हैं। मैं इन आयतों को इसलिए शुरू में बोलता, थोड़ा स्पीड स्लो रखता, ताकि मैं जान लूं कि कितने लोग वचन को जानते हैं, ताकि मैं परख सकूं कि कितने लोग इसे रिसीव कर रहे हैं, कितने लोगों का मन लग रहा है। अगर आपने वचन नहीं पढ़ा, आपको आयतें नहीं मालूम है, आपकी स्टोरीज नहीं मालूम है, तो ये वचन, ये बातें आपको कुछ फायदा नहीं देगी। लेकिन अगर आपको पता है तो ये वचन आपको फायदा देगा। बाइबिल यहाँ पर कहती है हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। तो हनोक के चाल के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं हनोक के चाल के बारे में बात करूं, मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में कितनी प्रकार की चालें होती हैं, कितनी प्रकार के वॉक होते हैं। एक तो अभी आपने सुना मॉर्निंग वॉक, ये भी एक वॉक होती है, इवनिंग वॉक होती है, तो कई सारी वॉक होती है। लेकिन सुलेमान यहाँ पर चार तरह की चाल की बात करता है, और कहता है सबसे पहली चाल की बात करता है, कहता है आसमान में उड़ता पक्षी की चाल। कभी आप उसे देख रहे ध्यान से, किस प्रकार से बिना पंखों को फड़फड़ाए उड़ता है, किस प्रकार से अपने दिशा को बदलता है, किस प्रकार से वो छोटी मछली जो समुद्र में थोड़ा ऊपर आती है, एक सेकेंड के लिए की सांस ले सके और उसे पकड़ के ले जाता है। उस चाल की दुनिया में कोई ऐसा पक्षी नहीं है जो उस चाल की बराबरी कर सके। वो यूनिक वे है, यूनिक वॉक है, यूनिक फ्लाई है, उसकी बराबरी नहीं है। गिद्ध और तमाम और जानवर और ये पक्षी उसकी बराबर नहीं कर सकते। फिर वो कहता है चट्टान पे सर्प की चाल। कभी अगर आपने सड़कों पर या चट्टानों पर पत्थरों पर सर्प को चलते हुए देखा, वो बस आपको जिग जैग लगता है, आपको लगता है एक ही जगह चल रहा है, लेकिन वो काफी दूर पहुंच चुका है। कभी आप समुद्र में जहाज की चाल, कभी अगर आपने गाड़ी चलाई और आपकी गाड़ी पानी में चल रही हो, चारों तरफ पानी हो लगभग 1 फीट या उससे कम, तो आपको पता ही चलता कि आप पानी इधर जा रहे हो और आप इधर जा रहे हो, आपको लगता है गाड़ी इधर जा रही है। पानी में जब आप होते तो आपको चाल का पता नहीं चलता है,
और आखिरी वाला सो मोस्ट डेंजरस कि किसी पुरुष का कुंवारी लड़की के साथ चाल, क्या ही चाल होती है वाला सब समझते होंगे। और वो जल्दी से कैसे तैयार होता है, कैसे लोगों से छुपता है, कैसे अपने आप को सोचता है कि कोई नहीं देख रहा जबकि सब उसे देख रहे होते हैं और वो उसको ऐसा लगता है। तो ये चार चालें हैं, मैं उन कुमारों उन बातों के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि मेरे में बहुत सारी चालें हैं जिन्हें समझना कठिन है लेकिन जिसके बारे में आज शाम मैं बात करूं वो हनोक की चाल है। आमेन। क्योंकि हमने दो गीत आखिर में गाया, वो दोनों गीत इसी बात से संबंधित है कि मैं बदल रहा हूँ, विश्वास हो गया है, अलविदा है जमाने, अलविदा। लेकिन आखिरी अलविदा हनोक ने अपनी फैमिली को दिया, अपनी पत्नी से कहा प्रिय भाई, आमीन, बच्चों से कहा मम्मी का ध्यान रखना, आमीन, और चला गया और फिर नहीं आया, अलविदा। आमीन। वो आखिरी अलविदा था, आखिरी सलाम था उसका, आखिरी उसका सलूट था अपने फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, और फिर वो दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। कभी कहती वो लोप हो गया, लेकिन हम जानते हैं उठा लिया गया परमेश्वर ने उसे। लेकिन इससे पहले ऐसा होता उसके साथ कुछ बातें थी, अगर आप थ्योरी नहीं समझेंगे तो आप कभी भी प्रैक्टिकल में पास नहीं हो सकते। रैप्चर में सभी को जाना है, लेकिन रैप्चर में कैसे जाना ये जानना जरूरी है। सच्चा है, आपको जाना है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये नहीं जान पाए कि कैसे जाना है। आमेन। हमारा भाई बरनम एक बहुत बढ़िया बात कहता है अपने संदेश के अंदर में, मसीह परमेश्वर का भेद जो प्रकट किया गया, भाई बरनम कहता है कि वो कब आएगा हम नहीं जानते, उसने कभी नहीं बताया कि वो कब आएगा। इवन प्रेतों के काम में अगर पढ़ेंगे पहला अध्याय में, चेलों ने उठाए जाने के समय यीशु से पूछा हमें बताए बातें कब होगी, क्या तू इसराइल को आज ही राजी फिर देगा, यीशु ने कहा ये बात जानना तुम्हारा काम नहीं है। बहुत सारे बिलीवरी बात जानने में लगे रहते इसराइल में क्या चल रहा है, यीशु मसीह 2000 साल पहले बोला जानने का तुम्हारा ये काम नहीं कि इसराइल में क्या चल रहा है, इसराइल कब लौटेगा। लेकिन सारे इसराइल सारे बड़े बड़े ज्ञानवान मैसेज के इसराइल में क्या ढूंढते रहे, बाइबल नहीं पढ़ते कि जानना इसराइल कब लौटेगा तुम्हारा काम नहीं है, तुम तुम कब उठाए जाओगे। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी छोटी बात है, लेकिन समझ में आती नहीं है। हमने सारा समय उसी में बर्बाद करते हैं, यूट्यूब में और सर्च में, हिस्ट्री में, इसराइल में थर्ड टेम्पल कम बन रहा है, लाल बछिया कब आ रही है और उनके याजक कब आ रहा है, लेवी गोत्र को पहचान लिया गया, तुम्हें क्या मतलब इससे, इसराइल कब लौटेगा जाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम मेरी गवाही देना है, तुम्हारा काम पवित्र आत्मा पाना है, तुम्हारा काम रुके रहना है। और अक्सर हम अपना काम करने में दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं। आज गलीसिया इसी रास्ते पर चले, आज गलीसिया ये वाली चाल है, जबकि यीशु ने साफ कह दिया ये जानना तुम्हारा काम नहीं है, जिसको लौटना है राज्य जिसको मिलना है उसको पूछने दो, इसराइली को पूछने दो, यहूदी को पूछने दो कि प्रभु हमारा राज्य तुम्हें कब देगा, तुम्हें क्या टेंशन है, तुम्हें रैप्चर में जाने का टेंशन होना चाहिए, तुम्हें बदल जाने का टेंशन होना चाहिए, तुम्हारे उठाई जाने का टेंशन होना चाहिए, वो टेंशन नहीं है सारे। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा धीरे धीरे आप समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये जानना जरूरी है कि हम कैसे उठाए जाए। भाई बहन कहते हैं कि उसने हमें कभी नहीं बताया कि वो कब आएगा, ठीक है, क्या उसने बताया कभी, यीशु का इसे पुत्र नहीं जानता, इसे पिता ही जानता है। आमीन। और लेकिन नबी भाई बहनम आगे क्या कहते हैं, यह आप सुन रहे ध्यान से, भाई बहनम कहते उसने कभी नहीं बताया कि हम वो कब आएगा, लेकिन भाई बहनम ये बताते हैं कि सात गजना ये बताती हैं कि हम कैसे उठाए जाए। हालेलुया। आप क्या जानना चाहते हैं, वो कब आएगा और ये कि कैसे उठाए जाओगे। अगर आप ये जान लो कि कब आएगा और आप ये ना जानते हो कि कैसे उठाए जाओगे तो फिर क्या फायदा। बिल्कुल सच बात है, मैं इसी बात को तेज चिल्ला के बोल सकता था, लोग कहते बजाते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप समझो। बाइबल जिसे हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन है, ये कोई मैगजीन नहीं है, ये कोई न्यूज़पेपर नहीं है, कोई हमारा के हमारे पढ़ने वाले सिलेबस की किताबें नहीं, ये बाइबल है, जीवित वचन है और इस पर मुहर किया हुआ है, इसको सील किया हुआ है। आप कहते हैं सेवन सील, मैं कहता हूँ पूरी की पूरी बाइबल सील की गई है, सारी ही बाइबल मुहर बंद है। यिर्मयाह नबी कहता है ये पुस्तक ऐसी है कि किसी पढ़े लिखों के दी जाए तो ये कह दूंगे वापस कर देगा, इस पर तो मुहर है यह पुस्तक, और अगर इसे किसी अनपढ़ को दिया जाए तो यह कहकर वापस कर देगा मैं तो अनपढ़ हूँ, तो फिर ये दोनों के लिए बेकार है, पढ़े लिखों के लिए भी और अनपढ़ों के लिए भी। लेकिन ये किसके लिए साकार है, किसके लिए उपयोगी, किसके लिए यूजफुल है, जिन पर पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक वही से समझते,
यीशु का पिता ने कभी नहीं बताया कि पुत्र को बात पता नहीं, पिता के वश में। यीशु का नबी कहता है वो कभी नहीं बताता कि वो कब आएगा, लेकिन हमें ये बताएगा कि हम कैसे उठाए जाएंगे। और आज शाम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम ये जाने हम कैसे उठाए जाएंगे। मेरी सारी टेंशन यही है, दुनिया के अंदर में सारी अगर संस्थाओं में जाओ, डिनोमिनेशन में जाओ, उनकी सारी टेंशन थी बपतिस्मा लेने से पहले चर्च में कब्रिस्तान है, आपके कब्रिस्तान है, बिल्कुल सच। उनकी सारी टेंशन कब्र में जाने की रहती है, पूरी जिंदगी कब्र में जाने की टेंशन है। कब्रिस्तान है आपके, नहीं, हमारा मैसेज कब्र में डालने वाला नहीं है, के पास एक एलआईसी एजेंट आया जो पॉलिसी करते हैं, एलआईसी एजेंट जीवन बीमा, और उसे बाइबर्नम का रिश्तेदार ही था, भतीजा वगैरह लगता था। उसने कहा बाइबर्नम क्या आपने इंश्योरेंस लिया? भाई बड़ा कहते हाँ मैंने लिया। यस आमीन। भाई बड़ा कहते किचन में से मैडम मुझे देख रही थी, इसने कब लिया? मैडम समझ नहीं पाई, असल ले लिया मुझे बताया नहीं, असल पत्नी कहती तुम ले क्या मुझे बताया नहीं। मैं नहीं सोचता कि बहुत ज्यादा जरूरी की हर बात बताई जाए, पत्नियां सोचती कि हमें बताते नहीं, हमसे नफरत करते, कई बार हमें सोचते कि बेचारी को टेंशन हो जाएगा, उनकी सोच अलग है हमारी सोच अलग है। हम इसलिए बताते कि बेचारी टेंशन, बहुत सारी टेंशन वैसे रहती है, एक और देते हम टेंशन से बचाना चाहते हैं, वो टेंशन लेना चाहते हैं, आपकी मर्जी आप क्या करते हैं। भाई बनम कहते मैंने ले लिया, भाई बनम से वो बंदा कहता है अच्छा कौन सा लिया, कहता अनंत अनंतकालीन आमेन आमेन इंश्योरेंस की जगह भाई बनम कहते इंटरनल एश्योरेंस, इंश्योरेंस बिल्कुल सुरक्षा आमेन आश्वासन आमेन। अच्छा वो कहता है उसका कार्यालय कहाँ है, ऑफिस का हेड ऑफिस कहाँ है, भाई बहनों कहते स्वर्ग। तब वो लड़का समझ गया क्योंकि दिलीप भाई बहनों को जानता थे प्रचारक, बंदा कहता है भाई बहनों ये वाला जो आपने लिया है इटरनल एश्योरेंस ये आपको कब्र में नहीं पहुंचा पाएगा। भाई बहनों कहते मेरी सारी चिंता कब्र में से निकलने की है, मेरी चिंता कब्र में जाने की, मेरी सारी चिंता कब्र में से निकलने की है। आज हमारी चिंता क्या है, कब्र में जाने की, दुनिया में बड़ा नाम बनाने की, मकान घर दौलत, और ये चिंता क्या, आप किस बारे में चिंता कर रहे हैं आज? पौलुस कहता मुझे परमेश्वर के घर की धुन खा जाएगी। पौलुस कहता मैं कैसा अभागा मनुष्य में दुखता में पड़ा, मुझे अधर्म के देश से कौन बचाएगा। पौलुस कहता मैं किसी भी रीति से उस मृत्युंजय की सामर्थ को चाहता हूँ। पौलुस की चिंता देखो और अपनी चिंता को मिलाओ, क्या आपके पास एक भी परमेश्वर के वचन की चिंता है? क्या आपको अपने आनंद जीवन की चिंता है? क्या आपको रैप्चर की चिंता है? क्या आपको पवित्र आत्मा पाने की चिंता है? क्या आपको देख के बदल जाने की चिंता है? नहीं, सारी चिंता तो इसी दुनिया की है, बिल्कुल सच। सारी चिंता इसी मटेरियल के लिए है, दो गज जमीन के नीचे, जमीन चाहिए, जमीन चाहिए, परमेश्वर कहता दफन कर दूंगा, खाते रहना जमीन। कितना चाहिए? दो गज की तो जरूरत होती है। आसमानों की चिंता करो। आमेन आमेन। यीशु की पत्री पहला अध्याय जरा पढ़ दे भाई, फटाफट निकालना पड़ेगा, मेरे साथ चलना है स्पीड में चलना है। कुलसियों की पत्री पहला अध्याय पहला वचन, और हो सकता है कि 11 भी बज जाए। आमेन आमेन। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से। कुलसियों अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, ये बात उन पर लागू होती है जो जिलाए गए, उन पर नहीं लागू होती जब भी पाप में संसार में दुनिया में मरे हुए हैं। ये बात उन पर लागू होती है जो जिलाए गए, सुनिए, अतः जब मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तो बाइबिल इस तरह से कहती है कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ या खोज में रहो, लेकिन आज हम किसकी खोज में है? हाँ, अपने आपसे पूछ लो, मैं किसी को मैं जानता हूँ, आप किसी को आप जानते, लेकिन अगर आप जिलाए गए तो बाइबिल कहती है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। क्या हम पवित्र आत्मा की ढूंढ डांट कर रहे हैं? क्या हम अनंत जीवन की ढूंढ डांट कर रहे हैं? क्या हम नए देश में जाने की तैयारी कर रहे हैं? हम आखिर कर क्या रहे हैं? संडे संडे चर्च आ रहे हैं, ये तो कर रहे हैं, इससे रैप्चर नहीं होगा, बिल्कुल यस। ये हनोक की चाल नहीं है। बाइबिल कहती है हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। कितने साल? 300 साल ही क्यों? 350 साल क्यों नहीं, जबकि 500 साल का उम्र था उसका टोटल। बाइबिल एक ऐसी किताब है जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है। मैं दोबारा कहता हूँ इसी बात को एक शब्द बदल दूंगा, बाइबिल एक ऐसी किताब है जिसको समझना बहुत ही आसान है।
ये मुश्किल तब होती है जब आप इसे अपनी समझ से पढ़ते हैं। ये मुश्किल तब होती है जब किसी को डिफीट करने के लिए, किसी को हराने के लिए इसमें से पढ़ते हैं। लेकिन ये तब आसान हो जाती है जब अपने जीवन को बचाने के लिए समय ना पढ़ने के दौरान इंटेंशन क्या है आपका, पढ़ने के दौरान आप ढूंढना क्या चाह रहे हैं, इसके ऊपर मैं बात करती हूं आपसे। हमें आप समझ पा रहे हैं? आमीन। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जिस विषय पर आपने अपना समय खराब किया, आपने गर्मी में परेशान हो रहे हैं, तो आप खाली हाथ मत जाओ। मैं चाहता हूं कि आपके पास आज एक बेहतर समझ हो, आपके पास एक बेहतर तैयारी हो, आपके पास बेहतर प्लान हो कि आप कैसे रक्षा में चले जाएंगे। आमीन। सिर्फ एक गाना की मैं बदल रहा हूँ, वास्तव में आप नहीं बदल रहे हैं। सिर्फ मैं कहना अलविदा, पता नहीं आप किसको, जमाने को अलविदा कह रहे हैं या खुदा की सच्चाइयों को अलविदा कह रहे हैं। जो हम गाएं, जो हम बोले, जो हम प्रचार करें, उसे हम समझें, उसे हम जिए, तभी ये सच्चा प्रभाव डालता है दूसरों पर। स्वयं हनोक के बारे में बात करें, हनोक के चाल के बारे में बात करें। सबसे पहले मैं हनोक के उम्र के बारे में बताऊं। हनोक लगभग 300 साल चलता, लगभग 500 साल की कुल उसकी उम्र हुई, उसके बाद उठाया गया था। हनोक जब पैदा हुआ तो उस समय आदम की उम्र 650 साल थी। आप कहेंगे आदम उस समय था क्या? यस, अगर आप बाइबल को सही से पढ़ेंगे, उनकी उम्र को जोड़ेंगे बाइबल का, जैसे वंशावली में जोड़ा जाता, तो आपको पता चलेगा कि आदम हनोक के टाइम भी जिंदा था, क्योंकि आदम 950 साल रहा, 930 साल लगभग। और हनोक उस समय जब हनोक पैदा हुआ तब आदम जिंदा था और उसकी उम्र उसमें समय लगभग 650 साल थी। इवन जब नूह का जल प्रलय हुआ तब भी नूह और हनोक एक समय पृथ्वी पर रहे थे। आपने भाई आलोक कैसे मालूम? भाई वर्णम कहते हैं जब नूह ने देखा कि हनोक उठा लिया गया है, तो भाई जहाज के आसपास रहना चाहिए। समझाई बात? तो इसी तरह से अगर इनकी उम्र के हिसाब से कब किस उम्र में कौन पैदा हुआ और कितना जिंदा रहा और कब मरा, अगर आप इसको जोड़े घटाएंगे तो आप पता चलेगा कि आदम 650 साल का था जब हनोक पैदा हुआ। तो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि हनोक ने जो समझ पाई, जो विश्वास पाया, जो जानकारियां पाई अपने दादा इंटू सिक्स, लक्कड़ दादा भी नहीं होगा तो लक्कड़ दादा से भी आगे का होगा, दादा इंटू सिक्स, और वहां से उसने क्या पाया, समझ पाया, परमेश्वर के साथ चलता रहा। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। कैसे यह संभव था कि एक व्यक्ति जो मेटेरियल, एक व्यक्ति जो फिजिकल, एक व्यक्ति जो देह है, वो परमेश्वर के साथ चले? और साथ चलने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते, सिद्धांत होते हैं। मैं बाइबल कल बात करूं, बाइबल का प्रचार करूं, इसलिए मुझे बाइबल कल ही बताना पड़ेगा। साथ चलने का पहला प्रिंसिपल ये होता है कि आप जिसके साथ चल रहे हैं वो और आपका एक मन हो, एक विचार हो, एक सहमति हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर दो जन एक मन के ना हो तो साथ नहीं चल सकते। तो ये यकीन कर सकता हूं मैं और ये मानता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि हनोक का मन, हनोक के विचार, परमेश्वर के विचार एक विचार थे। अब हम जो परमेश्वर के साथ चलने का दावा करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें चलना चाहिए, या हम कहते हैं हम चल रहे हैं, क्या वास्तव में हमारे उसके विचार एक जैसे हैं? क्या हमारे अंदर में जो कैरेक्टर है और परमेश्वर के अंदर में जो कैरेक्टर है एक जैसे हैं? फिर आप कैसे दावा कर सकते हैं क्या परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, जबकि वो कुछ और कहता है, वो कुछ और सोचता है, उसका कुछ और नेचर है, आपका कुछ और नेचर है। दो जन अगर एक मन के ना हो तो साथ नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। हमें तो मैं यकीन करता हूं कि परमेश्वर का मन हनोक के अंदर में था। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। और हनोक 300 साल ही क्यों चलता रहा? मैंने कल अमृतसर में बताया, अब्राहम को जब बुलाया गया, जगह उत्पत्ति 12 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अब्राहम से परमेश्वर ने कहा अपने देश, अपने कुटुंब, अपने पिता के घराने को छोड़ के तीन बातें वापस। कितनी बातें हैं? तीन। क्या क्या? पहला देश है जो एक बड़ा सर्कल है, दूसरा उसका कुटुंब है जो उसे छोटा सर्कल है, और तीसरा उसका घराना है जो उसे छोटा सर्कल है। और ये कितने सौ साल चलता रहा? 300 साल। कलीसिया जिसे परमेश्वर ने शुद्ध किया अपने पुत्र यीशु के लहू से, उसके कितने स्टेप हैं रक्षा में जाने के? तीन। शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हमारी देह कितने चक्र में बनी है? तीन चक्र में, आत्मा, प्राण और देह। परमेश्वर की जो सिद्धता है वो तीन गुणों में होती है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। क्या आप समझ पाए? हमें इसीलिए हनोक 300 साल साथ परमेश्वर के साथ चलता रहा, ताकि उस कलीसिया का जो यीशु मसीह दूसरे आदम से सातवीं पीढ़ी में उसका रिप्रेजेंटेशन कर सके। बाइबल कहती है पुराना नियम नए नियम का छाया है, इसीलिए अगर आप यहूदा की पत्री पढ़ेंगे, 14वीं आयत पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही चैप्टर है उसमें, तो लिखा हुआ कि हनोक भी जो आदम से सातवीं पीढ़ी में था, क्योंकि अगर आप आदम की वंशावली पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3-4-5 पढ़ेंगे, तो कैन की वंशावली में भी हनोक है।
कैन के वंशावली में भी हनोक है, इसीलिए परमेश्वर के वचन पे वेरीफाइड करना पड़ा कि कोई और हनोक ना समझ लेना, कोई भी हनोक नहीं, वो जो आदम से साथी पड़ी हुआ था, वो जो आदम की वंशावली में था, कोई भी कलीसिया उठाई नहीं जाएगी, परमेश्वर उस कलीसिया का मार्क किया हुआ, चिन्ह दिया हुआ। अगर परमेश्वर कैन को चिन्ह ठहरा सकता है तो परमेश्वर कलीसिया को भी चिन्ह देगा। मेरे भाई बहन ध्यान देना, हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चलता रहा, हनोक के पश्चात जो उसका बेटा उत्पन्न हुआ उसका नाम था मतुसेले, और ये मतुसेले सबसे लंबी उम्र जीने वाला व्यक्ति था बाइबल के अंदर, 969 साल, 969 इतने साल ये पृथ्वी पर जिया, आदम से भी ज्यादा लंबी उम्र थी। लेकिन अब हम दोनों का आपको अर्थ बताता हूँ कि हनोक का अर्थ क्या होता है और मतुसेले का अर्थ क्या होता है। कितने लोग जानते हैं हनोक का अर्थ? हनोक का अर्थ होता है टीचर, शिक्षक। क्या होता है? टीचर, सिखाने वाला, शिक्षक जो आपको शिक्षा देता है। मतुसेले का अर्थ होता है न्याय, जजमेंट। और जैसे हनोक उठा लिया जाता है उसके बाद मतुसेले पैदा होता है, जैसे हनोक उठा लिया जाता है वैसे न्याय आता है पृथ्वी जल प्रलय के रूप में। समझना चीजों को। अब आप कहेंगे भाई हनोक टीचर क्या अर्थ है? मैं इसीलिए हनोक की चाल की बात करी पहले। हनोक ने वो तीन बढ़िया और तीन महान काम किए जिसे आज कलीसिया को सीखना है। हनोक ये जानता था कि परमेश्वर को कैसे खुश किया जाए, क्योंकि उसकी यही गवाही थी कि उसने उठाए जाने से पहले परमेश्वर को कहा आप लोग खुश किया। आमीन। नहीं, आपको सिर्फ बताना था उसने क्या किया, मैं इसीलिए रुक गया ना, पता नहीं आप लोग सुन रहे हैं या आपको पता है और नहीं पता है, लेकिन कम से कम जिन्हें पता हो बताया कि हनोक ने परमेश्वर को क्या किया था। ये फर्स्ट टाइम था आदम की वाटिका के बाद जब से परमेश्वर दुखी हुआ था आदम के गिरने के बाद, हनोक परमेश्वर खुश हुआ था, और ये सातवें दिन में हुआ था या सातवीं पीढ़ी में हुआ था। इवन स्वयं परमेश्वर 6 दिन जब काम किया परमेश्वर सातवें दिन में ज्यादा खुश था। हर दिन वो कहता है अच्छा है, अच्छा है, पांचवें दिन अच्छा है, छठे दिन अच्छा है, लेकिन सातवें दिन कहता है बहुत अच्छा है। हालेलुया। पृथ्वी तब तक अच्छी नहीं जब तक कि परमेश्वर के पुत्र नहीं आते। आमीन। बाइबल कहती है हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चलता रहा, उससे ये सीखा जा सकता है कि परिवार होने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ चला जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियन, बहुत सारे बिलीवर कहते हैं क्या करें, पत्नी है, बच्चे हैं, नौकरी है, कैसे चले। हनोक के भी दाविद को पढ़ना ध्यान से, उसकी पत्नी उसके बच्चे थे, फिर भी वो परमेश्वर के साथ चल सकता था, चला। तो हनोक जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो हमें बताता है कि परमेश्वर के साथ कैसे चला जाए, परमेश्वर को कैसे खुश किया जाए और कैसे विश्वास से बदल जाया जाए। तो हम हनोक से तीन बातें सीख सकते हैं, लेकिन तब जब हम उसकी चाल चलते हो। हमें इब्रानियों की पत्री पढ़ेंगे 11 अध्याय उसके 4वें वचन से, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय जहां हनोक का गवाही आता है, 5वां 6वां वचन होगा ये। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। कैसे उठा लिया गया? आश्चर्य कर्मों के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा। आमीन। बड़े अच्छे प्रचार के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा। बहुत ज्यादा दान और दशमांश देने के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा। विश्वास से ही हनोक उठा लिया गया, ये मृत्यु को ना देखे। इसको ना देखे मृत्यु को। और आज हमारे सामने जो सबसे बड़ा दुश्मन है बाइबल के, जो अंतिम बैरी है, वो मृत्यु। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि मसीह यीशु में उस पर भी जयवंत है। आमीन। हे मृत्यु तेरे डंक कहाँ रहा, क्योंकि विश्वास के द्वारा मृत्यु के डंक को भी क्या कर देते, तोड़ देते, उसमें फतेह पाते। स्वाभाविक कहती ताकि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। अब वो चलता किसके साथ था? परमेश्वर के साथ। आमीन। आप इस दिन में कैसे परमेश्वर के साथ चल सकते? कोई तो तरीका होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ आके आपको हाथ पकड़ के देखो मैं आ गया, मेरे साथ साथ चलो, आज चलो हम 2 किलोमीटर एक साथ, ऐसा नहीं हो। अब आपके सामने एक सवाल हो जाए कि आखिर हनोक किस रीति से, किस प्रोसेस में हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। बाइबल कहती है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, ना ही कभी कोई उसे देख सकता है। बाइबल कहती है परमेश्वर शरीर नहीं है, परमेश्वर मनुष्य नहीं, परमेश्वर आत्मा है। सो ये कैसे संभव था कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता?
लेकिन जिसको हम परमेश्वर पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में पांचवें अध्याय में, उसे यूहन्ना अपने उत्पत्ति में वचन कहता है। बाइबल उत्पत्ति का वर्णन दो प्रकार से लिखा हुआ है, पहला मूसा के द्वारा लिखा हुआ जो फिजिकल जेनेसिस है, जो फिजिकल क्रिएशन के बताया गया कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ये मूसा ने लिखा उत्पत्ति किताब में, और जो आत्मिक उत्पत्ति आत्मिक नजरिए से लिखी गई यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा। आमेन। यूहन्ना ये नहीं कहता आदि में गहरा जल था, यूहन्ना ये नहीं कहता कि आदि में छोटे छोटे पौधे और पेड़ उगे और आदि में पक्षी बने और आदि में मछलियां बनी, यूहन्ना ये नहीं कहता, यूहन्ना कहता आदि में वचन। आमेन आमेन। वो स्पिरिचुअल एंगल को देख रहा है, हम क्या समझ पा रहे हैं। सो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और इसी वचन के साथ हनोक चलता था। आधुनिक युग में 2021 में भी आप परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कुछ और नहीं, परमेश्वर वचन है। वचन आपको दिया गया है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग का उजियाला है। आप इसी में चले, जब इसमें चलते हैं आप इनफैक्ट परमेश्वर के साथ ही चलते हैं। इसके लिए किसी सुपर नेचुरल पावर की और लाइट झिलमिलाने की जरूरत नहीं की। अरे पिलर ऑफ फायर आया, बाइबल के अंदर में अगर आश्चर्य कर्म ही परमेश्वर के साथ उठाए जाने का मापदंड होता, पैमाना होता, तो आज हम बहुत सारे लोगों को रैप्चर में देखते। लेकिन अगर मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, अगर आप कुरिन्थियों 10 दूसरा को 10 अध्याय का पढ़ेंगे, पौलुस इसराइल के इतिहास की चेतावनी देता है, परमेश्वर का वचन बताता है, पौलुस कहता है हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इसी बात से अज्ञान रहो कि हमारे बाप दादाओं ने जब मिस्र से निकले सबने समुद्र में और बादल खींचे, मूसा का बपतिस्मा लिया, सबने एक ही चट्टान से पानी पिया, सबने स्वर्गीय मन्ना खाया, सब लाल सागर से पार हो गए। पढ़ते पढ़ते जब आगे बढ़ेंगे तो बाइबल कहती परमेश्वर उनमें से बहुतों से खुश नहीं था। आमीन। मैं हनोक के चाल के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हनोक की ऐसी चाल चला जिसने खुदा को खुश कर दिया। क्योंकि बागे अदन से परमेश्वर बहुत दुखी था, बड़ा डिसअपॉइंटेड था, बड़ा निराश था, जब उसको ये सूचना मिली मेरे बच्चे गिर गए। नबी कहता है परमेश्वर ने सर्व से सर झुका लिया, तब से बड़ा दुख झेला। जैसे आपको कोई आकर कहता आपका बच्चा तो चोर है, उसे मेरा सामान चुराया, आपको आगे कहता आपका लड़का तो मैंने देखा उधर कहीं शराब खाने में शराब पी करके लड़ाई कर रहा था, आपको कैसा लगता है? मैंने बताओ कैसा लगता है आपको? ऐसा अगर आपके बच्चे के बारे में बताएं, आपकी लड़की के बारे में बताएं, आपका सर शर्म से छुप जाएगा। और ऐसे अदन में हुआ था, आदम और हवा गिर गए तो उस जगह से जहां पर परमेश्वर ने रखा था, स्वर्गदूतों ने जाके कहा तेरे बच्चे गिर गए, परमेश्वर ने अपना स्वर्ग से सर झुका लिया, और उस दिन से लेकर के हनोक के आने के दिन तक परमेश्वर दुखी था। लेकिन जब हनोक आता है सातवीं पीढ़ी में, सातवें युग में, सातवें डायमेंशन के अंदर में, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर को फिर से खुश किया। इसराइल कहती इसराइल वहां से निकला, सबके लिए मन्ना बरसा, सभी लाल सागर से पार हो गए, परमेश्वर ने सबके लिए पिलर ऑफ फायर को दिया, परमेश्वर ने बादल के खंभे को दिया, लेकिन फिर भी कहती परमेश्वर ने इसे बहुतेरों से खुश नहीं था। इंग्लिश में लिखा ऑलमोस्ट, ज्यादातर से, बहुतेरे से मतलब ज्यादातर से, मतलब 20 लाख लोग निकले तो मैं कहने जा रहा हूँ 19,99,998 लोगों से परमेश्वर खुश नहीं था। दो ही से खुश था एक तरह से। आमीन। हालेलुया। 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 सुनना मेरी बातों को, परमेश्वर ने उनमें से बहुतों से खुश, आप ये सोच सकते कि परमेश्वर जिसके लाल सागर फाड़ा फिर भी परमेश्वर से खुश नहीं है। समझना मैं क्या बात कर रहा हूँ, हनोक की चाल के बारे में बात कर रहा हूँ। इतना आसान नहीं रहते मैं जितना की प्रचारक बताता। आमीन आमीन। ओ तुम परमेश्वर के चुने हो प्रभु तुम्हें, इतना भी आसान नहीं है। हालेलुया। हम कहते हैं मेरे पिलर ऑफ फायर, मेरे कमरे में एक दिन पिलर ऑफ फायर, मेरे पास मैं फोटो दिखाता हूँ, देखो पिलर ऑफ फायर निकला हमारे वीडियो में, हमारे प्रचारक की वीडियो, उनके साथ दिन रात चलता था। क्या बात करते तुम, उनके लिए पिलर ऑफ फायर ऐसा था जब तुम चाट खाने जाते हो, रोज चलता था। हालेलुया। अरे प्रभु ने मेरा आशय कर्म कर दिया, मेरा सिलेंडर खाली था भर गया, वो चट्टान से पानी पीते थे। हालेलुया। अरे प्रभु का धन्यवाद, मैंने 5 लोगों का खाना बनाया, 10 लोग आ गए और सबका पूरा हो गया। तुम बनाते हो ना, उनका बना बनाया था। लेकिन कमाल ये था, इसके बाद ही परमेश्वर से खुश नहीं था। अपने आश्चर्य कर्मों को आगे मत कर देना कि प्रभु मेरे साथ बड़ा बना रहता है। मैं आपको भेद की बात बता दूं ना, कि भेद नहीं लिखा है लेकिन हम बोलते नहीं, लोग परमेश्वर दुष्ट आत्माओं की प्रार्थना सुन लेता है। जैसे बड़ा कॉलर ऊंचा करने की बात नहीं कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है, दुष्ट आत्माओं की भी सुनता है। कॉलर ऊंचा करने के बाद बताऊं,
क्योंकि मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं। बिल्कुल साचा। कि मैं इसीलिए खड़ा हूं ताकि आप जान लें रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है। आमीन। जितनी दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, क्या हम दौड़ भी रहे हैं, क्या हम रेस में है भी या पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गए? कई बार रेस शुरू होने से पहले, कई बार योग्यता आपकी परीक्षा होने से पहले कुछ ऐसे कॉज होते कारण होते हैं कि आपको पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, आप नहीं कर सकते। अच्छा। कई बार आपकी जाति होती है, अच्छा आप जनरल में आप नहीं कर सकते, अच्छा आपकी प्राइवेट जॉब है आप नहीं कर सकते, मतलब आप बैठो इससे पहले कि आप बैठो एग्जाम में, इससे पहले कि आप रेस दौड़ो आप पहले ही डिस्क्वालीफाई, इससे पहले कि आप ट्रैक पे जाओ और दौड़ो आपका टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, और फिर ब्लड निकालते यूरिन का टेस्ट लेते, अच्छा आपने ड्रग्स लिया हुआ है, गो बैक। दौड़ने से पहले ही खत्म हो जाता मामला। लेकिन आप जो दौड़ रहे हैं, जो दौड़ने का दावा कर रहे हैं, जो दौड़ना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर खुश कैसे होता है। हाँ, लोग ने किया था, वो पहला व्यक्ति था जिसने परमेश्वर को खुश किया था। इसराइल को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला, 10 आशीष कर्म इसराइल ने प्रकट किए, लाल सागर बना दिया वहां पर, ऐसा सिस्टम बनाया, सोलर सिस्टम को पता नहीं कैसे खुदा ने घुमाया कि सारे मिस्र में अंधकार और गोसिन उजाला कर दिया। हालेलुया। सिर्फ वही कर सकता है। कैसा सोलर सिस्टम रहा होगा उसका, सूरज को किस एंगल में रखा होगा उसने, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये उसने किया। 10 आशीर्वाद दिखा करके मिस्र को निकाल आया, उनके लाल सागर को दो भागों में कर दिया, और वो जो मार्ग था वो परमेश्वर के लोगों के लिए बना हुआ था। बाइबल बताती है कि जब वो आगे निकल गए उनको भूख लगी, परमेश्वर ने मन्ना बरसाया। अभी मन्ना रोटी की बात छोड़ो, उनको लगा कि मिस्र में बहुत मीट वगैरह मिलता है, इधर तो अभी मीट कई हफ्ते हो गए, हर संडे निकल जा रहा मीट नहीं खा रहे, परमेश्वर ने कहा बोला बटेरे खिला दो, बटेरे खिला रहा है, चट्टान से पानी पिला रहा है, रात को पिलर ऑफ फायर से रास्ता दिखा रहा है, दिन को पिलर ऑफ क्लाउड से उनकी छाया बन जा रहा है। हालेलुया। और फिर भी मार रहा है लोगों को, फिर भी लोग मर रहे हैं, कभी 24,000, कभी 14,000, कभी 2600, कभी 1200, कभी 250। बाइबल कहती परमेश्वर उनमें से ज्यादातर से खुश नहीं था, जबकि परमेश्वर उनके साथ काम कर रहा। आपको सोचना यह है कि मेरे साथ काम हो रहा है, ठीक है, वो अच्छी बात है, क्या परमेश्वर मुझसे खुश है, क्या परमेश्वर को मैं खुश कर पा रहा हूं, तो परमेश्वर को खुश कैसे किया जाएगा? और भाई बताती है कि वो जंगल में ज्यादातर लोग ढेर हो गए, उन्होंने कहा हमारे बाबा जंगल में स्वर्ग से मन्ना का ईश्वर का उनकी कब्रें अभी भी जंगल में पड़ी हुई है। हमें लेकिन हम एक व्यक्ति आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जो दूसरा आदम, उसका नाम यीशु है। आमीन, आमीन। और वो व्यक्ति पैदा होता है, 12 साल तक परमेश्वर के मंदिर में पाया जाता है, बाद ही बात करते हैं फरीसियों और शास्त्रियों से, 12 से 30 साल के बीच में अपने पिता के घर में उसका काम बटाता है, 30 साल की उम्र में सेवकाई शुरू करता है। आमीन, आमीन। और सेवकाई यीशु मसीह का बाइबल में जब भी यीशु मसीह का सीन अपीयर होता है, शुरुआत होती है, तो कोई मिरेकल नहीं है, सीधा बपतिस्मे की बात चलती है। आमीन। और बिना कोई आश्चर्य कर्म किए, बिना किसी मुर्दे के जिलाए, बिना किसी रोगी को चंगा किए, बिना किसी और आश्चर्य कर्म किए वो बपतिस्मा लेता है। और बाइबल कहती है जब बपतिस्मा लेके ऊपर आता है आकाशवाणी होती है, क्या आकाशवाणी होती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है और आगे मैं इसमें रहने से प्रसन्न हूं। यीशु ने कौन से आश्चर्य कर्म किए थे अब तक, फिर भी पिता खुश था। एक भी आश्चर्य कर्म अभी तक यीशु ने किए नहीं थे, इसके बाद किए। आपकी आश्चर्य कर्म पिता को खुश नहीं करते, आपकी सेवकाई आपका गिफ्ट पिता को खुश नहीं करता। एक आयत पढ़ते हैं फिलिप्पियों की पत्री 2:5 से पढ़ते हैं, क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, पीछे आप नहीं समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर जिस चाल में आप निकले, जिस विश्वास में आप निकले, जिस आपने अपने समाज परिवार और धर्म को छोड़ा है, अगर वो नहीं मिला तो फिर आपसे ज्यादा परेशान अभागा कोई नहीं। सुनिए क्या लिखा हुआ है, 2:5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। किसकी समानता में? मनुष्य। क्यों हो गया? ताकि मनुष्य को बचाए, ताकि मनुष्य को वापस अपनी समानता में ले जाए।
मनुष्य के समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। यहाँ तक आज्ञा, यहाँ पर लिखा है यहाँ तक आज्ञाकारी रख। आप कहाँ तक आज्ञाकारी है? आपके आज्ञा मानने का लेबल क्या है, मापदंड क्या है? हम इतना आज्ञा मानते कि हम चर्च चले जाते, लेकिन हम इतना आज्ञा नहीं मानते कि गाली सुखी गाली ना दे। नहीं ये कैसे मान लो उसने मुझे गाली दिया? आप कहाँ तक आज्ञाकारी है? पत्नी के लिए बाइबल कहती पत्नी अपने पति के अधीन रहे। बाइबल कहती पत्नी के लिए अपनी पत्नी से अपने दही के समान प्रेम करे। बाइबल कहती लड़के वाले माँ बाप के अधीन रहे। बाइबल कहती माँ बाप भी लड़कों को रिश्ना दिलाए। यस आमीन। कलीसिया पास्टर के साथ चले, पास्टर कलीसिया पर हुकूमत ना करे। ये सारी बातें आप कहाँ तक आज्ञाकारी, आपके आगे मानने का आपके तो ये नहीं होगा मुझसे, यानी कि आप उस लेवल तक ही है बस। आपका एक लेवल है कि आप यहाँ तक तो बात मानेंगे, इसके बाद भाई बहुत हो गया, इसके बाद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आप कहां तक है? लोग कहते भाई ब्रह्म कहते, लोग कहते मेरे पास इतना पवित्र आत्मा है। कितना? इतना। इतने से नहीं होगा। इतना पवित्र आत्मा है कि चर्च जा सके। इतना पवित्र आत्मा नहीं कि झूठ बोलना छोड़ सके। चर्च जाने के लायक पवित्र आत्मा है आपके पास। कितने के लायक पवित्र आत्मा आप दे लो? आपके पास हो सकता है इतना पवित्र आत्मा हो कि आप चर्च जा सके, आपके पास इतना पवित्र आत्मा हो कि आप बाइबल पढ़ सके, दुआ कर सके, आपके पास इतना पवित्र आत्मा हो कि आप विश्वास कर सके, इतना पवित्र आत्मा कि आप आराधना कर सके, लेकिन क्या इतना है कि रैप्चर में चले जाए? आमीन। हालेलुया। आपके पास कितना एक लेवल है, आपके आज्ञा मानने का लेवल का क्या है? सत्य तो इसके बाद हम नहीं कर पाएंगे भैया, लेकिन यीशु के लिए यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। कहाँ तक? मृत्यु तक, क्रूस के मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। पढ़े की मृत्यु, की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु, मृत्यु भी सह ली। दो बार मृत्यु लिखने का क्या मतलब था? मृत्यु खाली लिख देता तब भी हम पढ़ लेते कि मृत्यु सह ली, लेकिन वहाँ पर मृत्यु बार फिर लिखा क्रूस की मृत्यु। मतलब ऐसा लग रहा है कि पौलुस मृत्यु, पहले पौलुस ने मृत्यु लिखा, फिर उसने लिखा खाली मृत्यु लिखना साधारण हो जाएगा। सही है। खाली मृत्यु लिखना कम रहेगा। खाली मृत्यु लिखने से वो मर्म नहीं प्रकट होगा जो यीशु की मृत्यु में था। तो लिखता है मृत्यु और क्रूस की मृत्यु। समझना में खास कि आप समझ सके, परमेश्वर के वचन का एसेंस समझ सके, सार समझ सके। यस। यहाँ तक कि क्रूस, क्रूस की मृत्यु में यहाँ पर उसका मतलब दर्द से नहीं था, क्योंकि यीशु के साथ दो और भी मरे थे, उनको भी दर्द हुआ होगा। yes. लेकिन वो जीवन का राजकुमार था, वो स्वर्ग का परमेश्वर था। हालेलुया। वो था जो सारे आदर महिमाओं के था, लेकिन क्रूस की मृत्यु अपमान की मृत्यु होती है। आमीन। क्रूस की मृत्यु श्राप की मृत्यु होती है, इसलिए बाइबल मृत्यु नहीं क्रूस की मृत्यु कहती है। आमीन। वो इसके लायक नहीं था, हम इसके लायक थे। बाइबल कहती है यहाँ तक अंगीकार्य की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु, अपमान की मृत्यु। उसका खून और पानी अलग अलग हो गया था। तुमको कोई कितना मारे, तुम्हारा कितना भी एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा खून और पानी अलग हो जाए। ऐसा तब होता है जब हृदय टूट जाता है। ऐसा तब होता है जब आपको कोई अपना व्यक्ति धोखा दे देता है, जैसे सॉफ्ट हो गया। उसका खून और पानी अलग अलग हो गया, क्योंकि वो उसके लोगों से बेइज्जत का मृत्यु दिया। वो कह रहा वो हमारे लिए जलालत, सज्जलालत मृत्यु की जलालत, बेइज्जती। आमीन। और फिर भी खामोश रहा। क्रूस, क्रूस की मृत्यु हाँ सह लिया। और आगे क्या लिखा सुनिए, इस कारण, किस कारण? परमेश्वर लिखा हुआ है कि परमेश्वर उसको सबसे बड़ा नाम, सबसे ऊंचा स्थान क्यों दिया? उस कारण में ये नहीं है कि इसलिए कि यीशु ने मूर्ति जीवित किए। मैं यीशु की बात कर रहा हूँ, प्रचारकों की तो बात क्या करूँ मैं, जो आज है और जो कल थे उनको छोड़ो। वो प्रचारक के अंदर में देखो कितना बीमार चंगी होते हैं, कितने लोगों को नौकरी मिल जाती है। प्रचारक कहता है आप खड़े रहिए, आपका मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ खड़े रहिए, आपका बैटरी स्विच ऑफ हो जाए ताकि आप सुन सके। तो ये नहीं लिखा कि चूंकि उसने मुर्दे जीवित किए, चूंकि उसने पानी पर चल के दिखाया, चूंकि उसने तूफान को शांत कर दिया, इसका परमेश्वर ने उसे ऊंचा नाम दिया। परमेश्वर इसका ऊंचा नाम नहीं देता है। परमेश्वर इसका अनंत जीवन नहीं देता है। परमेश्वर अनंत जीवन आज्ञाकारिता के कारण। आमीन। क्या आप आज्ञा मानते हैं? आमीन। या आप खाली हाँ प्रभु प्रेज़ लॉर्ड आमीन हालेलुया आशय करें? इस कारण, किस कारण? कि वो आज्ञाकारी रहा। आमीन। इस कारण नहीं कि उसने मौजे की,
इस कारण नहीं कि उसने मुर्दे जीवित किए, इस कारण कि वो आगे लिखा हुआ किस कारण, ये मत कहना ये वो बहुत अच्छी बात है उसने मुर्दे जीवित किया, हमें भी प्रभु अनुग्रह देगा, हम भी करेंगे, लेकिन इससे वो हो या ना हो आगे कार्यता में रहना है। आमीन। इस कारण परमेश्वर ने उसे सबसे ऊंचा नाम दिया, इस कारण सारे घुटने उस नाम के आगे झुकेंगे। याद रखिए कि हनोक 307 चरण है कि तीन चरणों में चला, शुद्धिकर पवित्री का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, अब्राहम को बुलाया गया तीन चरणों में, अपने देश से अपने कुटुंब से अपने घर पिता के घराने को छोड़ के निकला। 300 साल अब्राहम हनोक चला, और यीशु मसीह की सेवकाएं भी तीन चरणों में थी, हम सभी जानते हैं। तीसरा खींचाव हम जानते हैं, तीसरा खींचाव क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं है, नहीं अभी आप इसे समझ पाओगे। मेरा मानना इससे पहले कि मैं बीजगणित पढ़ाऊं, मुझे आपको पढ़ा देना चाहिए, आमीन आमीन, तभी आप बीजगणित कभी समझ पाएंगे। आमीन। क्या एक और आयत पढ़े, इफिसियों की पत्री 5:15, इफिसियों 5:15, बस थोड़ा सा समय और आप कर लूंगा मैं। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। परमेश्वर का वचन तुम्हारे चाल के बारे में बात करता है। हमने चाल कई प्रकार की देख ली, हमने स्त्री पुरुष की कुमारी लड़की के साथ चाल देख ली, हमने आसमान में उकाब पक्षी की चाल देख ली, हमने चट्टान पर सर्प की चाल देख ली, हमने पानी में जहाज का चाल देख लिया, हमने हनोक का चाल देख लिया। अब बाइबल कहती है इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो और निर्बुद्धि ना हो। जो अपनी चाल नहीं जानता, अपनी वॉक नहीं जानता, वो निर्बुद्धि है। आपको अगर पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, कहां चल रहे हैं, आपको कहां चलना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं। योना की पत्री निकालेंगे, पहला अध्याय 3:6 से मेरे ख्याल से होना चाहिए। योना की पत्री पहला योना और उसका पहला अध्याय 4 से पढ़े, मेरे ख्याल से वही होगा ये। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। ठीक है, आगे पढ़ते रहे। जो समाचार हमने ऐसे पढ़े, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, हम उसके साथ चल रहे हैं, हमारी सहभागिता उसके साथ है। वास्तव में आज कलीसिया है या तो पास्टर के साथ चलनी है, या तो समाज के साथ चलनी है, या तो किसी सिद्धांत के साथ चलनी है। हम पूछते हैं दूसरे पास्टर से, आजकल वो किसके साथ चल रहा है, तुम बताओ तुम किसके साथ चल रहे हो, तुम्हारा कौन सा पास्टर है, तुम्हारा क्या डॉक्ट्रिन है, हम दूसरा कौन किसके साथ चल रहा है, हमारी ये खोज में ज्यादा है। हम ये ध्यान से देख ले कि तुम कैसी चाल चलते हो। जितने भी पास्टर्स हैं, कोई भी XYZ बिलीवर स्त्री पुरुष, तुम कैसी चाल चल रहे हो, तुम किसके साथ चल रहे हो, तुम पादरी के साथ चल रहे हो, तुम समाज के साथ चल रहे हो, तुम फैशन के साथ चल रहे हो, तुम दुनिया के साथ चल रहे हो, तुम टेक्नोलॉजी के साथ चलो, या तुम परमेश्वर के साथ चलो। परमेश्वर के अलावा किसी के भी साथ चल लीजिए, नरक नहीं पहुंचे। बिल्कुल सही। एक तरफ परमेश्वर, दूसरी तरफ कोई भी कुछ भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। और मैं मैसेज में स्वर्ग जाने के लिए आया हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। चाहे मेरे साथ कोई चले और ना चले, भाई नाचने कितना बढ़िया गाना बनाया, ऐसा कर दे फजल की मैं तेरा हो जाऊं, मेरे साथ कोई हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे हाथ पे यीशु का हाथ है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे साथ, आमें, कौन आमें, साथ। आमें। नहीं है। मुझे यीशु के साथ चलने दो, बाकी दुनिया किधर भी जाने दो। ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। और फिर यूहन्ना कहता है यदि कोई कहे हमारी सहभागिता उसके साथ है और फिर अंधकार में चले, कहाँ चले, यानी कि आप दो तरह चल सकते हैं, तो लाइट में चले या तो अंधकार में चले, या तो उजाले में चल रहे हैं या तो अंधकार में चल रहे हैं। एक और आयत पढ़ूंगा, इन आयतों को आप पढ़ लेना ध्यान से, घर में अपनी स्टडी कर लेना। उत्पत्ति 17 ठीक है आप पढ़ो मत, मैं बता देता हूं इसे क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर अब्राहम पर प्रकट हुआ और अब्राहम से कहता है अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल। आमेन। कहां चल? अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। आमेन। आप परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर ना तो उठाए जाएंगे और ना ही सिद्ध होंगे। आमेन। आप परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर चाहे किसी भी समाज या पास्टर या डॉक्ट्रिन किसी के भी साथ चलिए, सिर्फ आपका इन्फॉर्मेशन नॉलेज बढ़ सकता है लेकिन उठाए नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये बात पता चल जाए कि आप इस मैसेज में उठाए जाने के लिए आए हैं, क्योंकि उठाए जाने वाला संदेश है। आमीन। ये हमारे उठा लिए जाने के संदेश हमें दिया गया। ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। आमीन। निर्बुद्धि मत बनो पर समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है।
जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा नहीं जानता बाइबल के अकॉर्डिंग वो निर्बुद्धि है। क्या आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको आखिर क्यों बचाया? हमारा नबी कहता तीन चीजें जैसे पहचानी जानी है और दो चीजें पहचानी गई है, शैतान कौन है पहचाना गया है, परमेश्वर कौन है पहचाना गया है। लेकिन नबी तीसरी चीज अभी तक पहचानी नहीं गई और वो मैं और आप ही है। क्या आप पहचानते आप कौन है? परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया वहां से? किया परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं शाम को? हमारा नबी कहता है, ध्यान से सुनना, मैं बस दो चार बातें आपके लिए बताऊंगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नबी कहता है जब हनोक पैदा हुआ तो आदम 650 साल का था और बाइबल कहती है कि आदम परमेश्वर का पुत्र था, मत्ती रचित समाचार में लिखा हुआ है, और आदम परमेश्वर का था, आदम परमेश्वर का पुत्र कहलाया, क्या नहीं कहलाया वो? और हनोक किसके साथ चला? परमेश्वर के साथ। लेकिन यहाँ पर एक समझने की बात जो अभी तक हमने समझा नहीं, हनोक के पास पृथ्वी और स्वर्ग दोनों का रिप्रेजेंटेशन था। हनोक परमेश्वर के साथ चला जो कि स्वर्गीय रिप्रेजेंटेशन है, स्वर्गीय स्वर्गदूत कह सकते हैं एक तरह से, और आदम परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर है। परमेश्वर ने हनोक को दोनों तरह का रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया, स्वर्ग से भी गाइडलाइन मिल रही है और पृथ्वी से भी मिल रही है। स्वर्ग से परमेश्वर की गाइडलाइन मिल रही है, प्रजन से मिल रही है, सारे तौर तरीके मिल रहे कि कैसे चलना, और पृथ्वी पर परमेश्वर का पुत्र खड़ा है जो कि आदम भले ही गिर गया है लेकिन अभी भी परमेश्वर का पुत्र है। पाप आपको परमेश्वर के पुत्र से अलग नहीं कर देती है। पाप आपको परमेश्वर, जब आप अगर आप पापी नहीं था परमेश्वर के पुत्र है, पापी जब आप गिरे हुए परमेश्वर के पुत्र है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो जाता। जब उड़ाऊ पुत्र का नाम सुना ना, खाली उड़ाऊ नहीं, पुत्र अभी भी है, उड़ाऊ भले लेकिन पुत्र है। पाप रिलेशन नहीं कट कर देता है, दूरी पैदा करता है, सिर्फ दूरी पैदा करता, कट नहीं करता है। पाप ने हमें परमेश्वर से दूर किया है, गुनाह ने हमें परमेश्वर से बातचीत करना बंद करा दिया है, गुनाह ने परमेश्वर का प्रेम थोड़ा सा ठंडा हो गया, थोड़े दूर हो गए, लेकिन जैसे आप भय कहेंगे ना वो फिर से वैसे होने लगेगा। परमेश्वर का वादा, मैं तुम्हें वापस लौटा कर के आऊंगा, इस उड़ाऊ पुत्र लौटा, पिता ने उसको फिर से वेलकम किया, रेड कार्पेट बिछा दिया उसके लिए, बैंड बाजे वाले उधर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुर्गा और बकरा बना रहा है, और उसे कह रहा सुनार सिंह अंगूठी लेकर के, दूसरे का टेलर के पास इसके बर्तियां लेकर के, तीसरे का जूता निकाल के लिए बर्ती का पार्टी कर रहे हैं वो किसके लिए? उड़ाऊ पुत्र के लिए। कहता खो गया था, मिल गया है, मर गया था, जी गया है, मेरा मैं आप खो गए थे, बस खत्म नहीं हो गए थे। अगर आप मर गए थे प्रभु के पास जिला उठाने के लिए सामर्थ्य लेकर हनोक के पास स्वर्ग का रिप्रेजेंटेशन था और हनोक के पास पृथ्वी का रिप्रेजेंटेशन था। अभी बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस पीढ़ी में हनोक था उसी पीढ़ी में हम भी हैं। हनोक आदम से साथ ही पीढ़ी में था, जो पहला आदम था, परमेश्वर का पहला पुत्र था, हम यीशु मसीह दूसरा आदम साथ में काल में, तो जरूरी कि हमारे पास भी स्वर्ग से और पृथ्वी से दोनों का रिप्रेजेंटेशन हो। सातवां स्वर्गदूत, सातवां स्वर्गदूत जब पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी का सातवां दूत पृथ्वी पर होता है। संदेश बढ़ेंगे अंतिम समय का, नबी कहता है जब वो सातवां स्वर्गदूत माइटी एंजल आता है जो क्राइस्ट हिमसेल्फ मसीह स्वयं है, तब पृथ्वी का सातवां दूत यहीं पर होता है। समझे? तो जो ये कलीसिया रैप्चर के लिए जा रही, जिस चाल में जा रही, जिस वॉक में जा रही है, इसको स्वर्ग का पृथ्वी का दोनों का रिप्रेजेंटेशन मिला, इसलिए ताकि ये कलीसिया भी उठा ली जाए, और हम विश्वास करते हैं उठा लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों अनुग्रह मिला हुआ है, स्वर्ग से भी और पृथ्वी से भी। आदम परमेश्वर का पुत्र था और हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। दो शब्दों में कि फिजिकल जो गाइडेंस मिली आदम को, उसके पिता, उसके लक्कड़ दादा जो भी आदम था उससे मिली, और जो स्पिरिचुअल गाइडेंस मिली, रेवलेशन मिला, वो उसको परमेश्वर की ओर से मिला। इसीलिए हमारे पास एक नबी है जिसका हम विश्वास करते हैं, जिसने हमें बताया कि कैसे परमेश्वर को खुश किया जाता है, कैसे परमेश्वर के साथ चला जा सकता है, कैसे उठाया जाना, विश्वास मैसेज से प्राप्त करना। लेकिन आज हम उन बातों का प्रचार नहीं कर सकते, लोगों का बेसिक्स मजबूत है, हम ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, लेकिन जरूरी है कि हम गहरी बातें करें, जरूरी है कि हम बुनियादी बातें करें, जरूरी है कि हम ठोस बातें करें, हम समझाएं लोग कैसे खुदा के साथ चला जा सकता है। हम नया जन्म प्रचार कर सकते, लेकिन हमें नहीं बताते नया जन्म होगा कैसे, हमें बताते पवित्र आत्मा के साथ चलना चाहिए, लेकिन हमें नहीं बताते पवित्र आत्मा के साथ चला कैसे जाए। ये जानना बेहतर है कि परमेश्वर को कैसे खुश किया जाए। हनोक नाम के टीचर से हमें सीख सकते हैं कि परमेश्वर को कैसे खुश किया जाए,
कैसे परमेश्वर के साथ चला जाए, कैसे गवाही छोड़ दी जाए आने वाले जगत के लिए, जो जान ले कि हनोक कैसे उठाया गया। आमीन। और हनोक उठाए जाने से पहले उसने पिरामिड का निर्माण किया था। आमीन। अब वो चाहता था कि मेरे आने के बाद, मेरे जाने के बाद जो मेरे वंश आएगा, जो मेरे लोग आएंगे, वे जान ले कि वो तरीका क्या है। आमीन। और उसने इसके सिंबल के तौर पे, चिन्ह के तौर पे पिरामिड्स को बनाया। उसने पीछे एक भौतिक एक दुनिया भी चिन्ह छोड़ दिया जो कि पिरामिड था। हमें हमें और वही अब पिरामिड का स्पिरिचुअल जो मीनिंग है, अर्थ है, अब वही पिरामिड फिर से दुल्हन के सामने खड़ा है। वही सात सीढ़ियां, वही सात रंग, वही सात कैरेक्टर जिसके द्वारा आप फिर से परमेश्वर के पास जा सकते हैं। वो सात सीढ़ियां आपको परमेश्वर के पास लेकर के जाती है, वो सात दूत आपको फिर से अदन में लेकर के जाते हैं। आमीन। हनोक की चाल है ये, किसी संस्था की चाल नहीं है, हनोक की चाल है जो परमेश्वर का पुत्र है, या आदम से सातवीं पीढ़ी में वो चुना हुआ व्यक्ति जो उठाया गया। अगर आप आज उठाए जाने के लिए अपेक्षा के साथ आए, प्रकाशन के साथ आए, विश्वास के साथ आए, चाहत के साथ आए, परमेश्वर आप पर रिवील करेगा कि कैसे उसके साथ चला जाए। वे दुनिया के साथ, चर्च के साथ, सिद्धांत के साथ चलना छोड़ दीजिए, वे आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे। आप परमेश्वर के साथ चलिए, वो आपको मृत्यु से देखने से पहले उठाकर ले जाएगा, अपने अपनी मकान में लेकर के जाएगा। नबी कहता है हनोक रोज चलता रहेगा, रोज चलता रहेगा, लेकिन एक दिन आखिरी वक्त पर गया और परमेश्वर ने कहा ऊपर आ जाए। एक दिन आप ऐसे अगर परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे, आज एक हफ्ते, दस दिन, महीना, साल, दो साल, दस साल, आप चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते, एक दिन आवाज करने वाले ऊपर आ जाए। आमीन। बहुत समय तू चल चुका, अब आराम के घर में आ जा। आमीन। क्योंकि तू मेरे साथ चलता रहा, तूने मुझे खुश किया, उसकी गवाही थी कि उठाए जाने से पहले उसने परमेश्वर को खुश किया। वही लोग उठाए जाएंगे जिनके गवाही हुई कि उन्होंने परमेश्वर को खुश किया है। लेकिन हमारी सारी समस्या तो पादरी को, समाज को, पत्नी को, बच्चों को, पति को खुश करने में रहती है। आप देखो कि आप किसको खुश कर रहे हो। जहां तक मेरा और मेरे परिवार का सवाल है, यीशु कहता हम खुदा की सेवा। आज शाम को आपको निर्णय लेकर के जाना पड़ेगा, आप किसको खुश करेंगे। आज शाम आप निर्णय लेकर के जाना कि आप किसके साथ चलेंगे। आज शाम ये निर्णय लेके जाना कि मुझे तो उठाया जाना है, चाहे कोई मेरे साथ आए और ना आए, चाहे कोई कुछ भी मुझे ढोंगी कहे, पाखंडी कहे, घमंडी कहे, चलेगा, लेकिन मुझे उठाया जाना है। आमें। आमें। कि बहुत ही जल्दी पृथ्वी अपने अंतिम समय में पहुंच चुकी है, बहुत ही जल्दी बाबेल के तत्व तप्त होकर के पिघल जाएंगे। जबकि चीजें इस रीति से ना सुनने वाली बाबेल के, तो हमें भक्ति में किस प्रकार का मनुष्य। ऐसे चलो, नबी कहता है अगर डॉक्टर कहता मरने वालों आप उसकी बात का ध्यान मत दो, परमेश्वर के साथ चलो। आमीन। नबी कहता दुनिया की दुनिया की चिंताओं से लापरवाह होकर के परमेश्वर के साथ चलो। आमीन। नबी कहता आलोचना करने वालों की आलोचना से लापरवाह होकर के परमेश्वर के साथ चलो। आमीन। नबी कहता डॉक्टर कहता तुम कल मर जाओगे, परमेश्वर के साथ चलो। नबी कहते तुम तो बदल गए, परमेश्वर के साथ चलो। दुनिया को कुछ भी कहने दो, आप जस्ट परमेश्वर के साथ चले, क्योंकि परमेश्वर की कुल इच्छा यही है कि आज उसकी छोटी दुल्हन, उसकी छोटी कलीसिया के बेटे और बेटियां उसके साथ चले, उजियाले में चले, समय के संदेश के अंदर में चले, आत्मा में चले, मेरी उपस्थिति में चल, और सिद्ध होता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।